हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेवरेट डिश साबूदाना वड़ा विथ स्वीट दही वाली चटनी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिए। तो जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। वड़ा बनाने के लिए साबूदाना, ये करीबन मैंने 5 कप साबूदाना लिए, इसे ओवरनाइट सोक करने रख दिया था पानी में, थरेली वॉश करके पानी में ओवरनाइट सोक करने रख दिया था 5 कप साबूदाना। 2 कोरिएंडर लीव्स, इसको चॉप कर दिए हैं। शुगर, क्रश्ड पीनट्स, इसे हमने पीनट्स लाके पहले कढ़ाई में सेक लिया, फिर उसे ठंडा करके ऊपर की परत निकाल के उसको मिक्सर में ग्राइंड कर दिया है। ग्रीन चिलीज, एज़ यूजुअल क्रश्ड ग्रीन चिलीज। तो रायता बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए कर्ड, मैं यहाँ पे एपिग्मा का कर्ड यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको फ्रेश कर्ड यूज़ करना है तो कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो खट्टा ना हो। उसको चॉप क्रश्ड कर दिया है कुकुम्बर को, हनी, क्यूमन सीड्स, सॉल्ट। तो फर्स्ट हम रायता बनाएंगे क्योंकि वो चिल्ड होना चाहिए, गरम साबूदाना विथ चिल्ड रायता, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो फर्स्ट हम चटनी रायता बना देते हैं ताकि वो फ्रीज में सेट हो जाए। तो एक एम्प्टी कंटेनर में हम टर्न बाय टर्न सब रायता के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते जाएंगे। तो फर्स्ट हम कर्ड कंटेनर में लेंगे, हम ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। फर्स्ट हम सब मसाले ऐड करेंगे, बाद में क्यूक्यूमर ऐड करेंगे, और क्योंकि ये स्वीट होनी चाहिए चटनी तो हम उसमें लिटिल बिट ग्रीन चिली ऐड करेंगे, कोरिएंडर, सॉल्ट टू पेस्ट, शुगर हम थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम शुगर की जगह पे हनी यूज़ करने वाले, जो हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो शुगर हमने थोड़ी सी ऐड की है, हम हनी ज़्यादा ऐड करेंगे। अब हम स्पून या विस्क की हेल्प से इसे मिक्स कर देंगे। और हमें वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि कुकुम्बर में भी वाटर है। एक्चुअली में दही में कोई लम्स ना हो इसलिए हम मिक्स कर रहे हैं फर्स्ट। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी तीखी होनी चाहिए। अब हम क्यूकम्बर ऐड करेंगे, और मेक श्योर दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। देखिए ये चटनी स्वीट ही अच्छी लगती है, तो आप अगर आप शुगर नहीं खाना चाहते तो आप हनी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, अगर हनी ऐड नहीं करना है तो शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, बट ये स्वीट होनी चाहिए। तो देखिए अब हम इसे फ्रीज में 2 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। तो ये हमारा रायता रेडी है, इसे अब हम फ्रीज में 2 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे और ये एकदम चिल्ड ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम साबूदाना वड़े की प्रिपरेशन कर लेते हैं।
ये मैंने करीबन 5 कप्स साबूदाना लिए हैं, उसमें फर्स्ट 3/4 कॉम्बिनेशन लेना है क्रश्ड पीनट का। अगर ये 5 कप है तो आपको 4 कप पीनट्स, क्रश्ड पीनट्स लेने हैं। क्यूमन सीड्स करीबन 2 टीस्पून, कोरिएंडर आपको जाएगा 1 कप कोरिएंडर, क्योंकि इसमें कोरिएंडर और क्रश्ड पीनट्स ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। ग्रीन चिली ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने रायता बहुत स्वीट और चिल्ड रखा है, सो स्पाइसी बड़ा ही अच्छे लगेंगे कॉम्बिनेशन। करीबन मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज ली है। अगर आप बहुत स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप 1.5 और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज डाल देना। सॉल्ट टू टेस्ट, शुगर हम यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि उससे जब हम फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी अच्छे होंगे। तो करीबन मैंने यहाँ पे, तो अब हम इसे डो बनाएंगे। अभी तक कोई वाटर यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहे तो वाटर डाल सकते हो, करीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए ही, बट शुगर अपने आप में वाटर छोड़ेगा तो स्टार्टिंग में मत डाल देना। देखिए ऐसे बाइंडिंग होने तक, अगर आपका मसाले में बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप वाटर ऐड कर दीजिए। मैंने अभी वाटर ऐड किया, करीबन 3 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने। तो देखिए ये रेडी है, इसे हम सेट होने के लिए रख रहे हैं करीबन 15 मिनट। तब तक हम कढ़ाई में ऑयल चढ़ा देते हैं। तो देखिए कढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जब ऑयल गर्म होगा तब हम इसके वड़े बना के तलेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, आज हम थोड़े अलग शेप के साबूदाना बनाएंगे, साबूदाना वड़ा बनाएंगे, कोफ्ते के शेप का बनाएंगे। चाहिए अब हम इसे ट्राई कर देते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हुए हैं और बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, और इसे स्वीट स्वीट रायते के साथ या दही वाली चटनी के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। एंड डू कमेंट्स बिलो हाउ यू लाइक इट, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो थम्स अप कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।